हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर्थ। आज का टॉपिक है जी चेक योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, ये 12 जो यूनिट 12 है ना, उसका चेक योर सेल्फ है। यूनिट 12 का हम यहाँ लिख भी देते हैं, यूनिट 12 फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कोई भी फ्रैक्शन होते हैं उसका जो लाइन के ऊपर वाली नंबर होता है वो न्यूमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला डेनोमिनेटर कहलाता है। ओके, तो इन्होंने पूछा 13 है 12.3 में, को 13 में डेनो, ये 13 है, क्या है डेनोमिनेटर। ठीक है जी, अब 9/20 में 9 है न्यूमरेटर, ठीक है जी, तो आप चाहते ही हैं। और 15/22 में न्यूमरेटर है कौन है जी 15, 17/28 में डेनोमिनेटर है 28, 2 राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनके अगले आपको ट्रू और फॉल लिखने हैं, ठीक है जी। द डेनोमिनेटर ऑफ ए यूनिट फ्रैक्शन इज 1, अगर कोई किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 1 है तो वह यूनिट फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत, ये जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर किसी का न्यूमरेटर 1 होगा वही यूनिट फ्रैक्शन होगी। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वह 1 से बड़ी होगी, तो ये ट्रू है। क्योंकि देख लीजिए अगर ये है ना, आप इसे 5 से डिवाइड, 30 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक, अगर हम इसे डिवाइड करें 5 7 35, ठीक है जी, तो इसमें 5 होल आया है ना, तो 5 तो अधिक होते हैं ना, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 से ज्यादा हो गए, तो 1 तो 1 ही है यार, ये 5 आ गए यहाँ और ये फ्रैक्शन भी है साथ में भाई, है ना, तो ये हमेशा बड़ी ही होगी, ये ट्रू है। 1/7 एंड 1/8 आर लाइक फ्रैक्शन, तो ये भी फॉल्स है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, विच फ्रैक्शन हैज द सेम डेनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर सेम हो वही लाइक फ्रैक्शन है, तो ये फॉल्स है। देयर आर 5 halves in 2, अगर 2 गोले हैं उसमें 5 halves कैसे हो सकते हैं भाई, है ना, ये 2 सर्किल है मान लीजिए, तो इनके हाफ कितने हुए, 4 ही तो हुए ना, 1 2 3 4, तो ये भी फॉल्स है, ये 5 कह रहा है। टू अपॉन 13 प्लस 2/6 इन्हें ऐड करने के बाद 2/19 आ गया है, तो स्टूडेंट इन्होंने क्या करा, जो न्यूमिनेटर है उन्हें सेम का सेम लिख दिया, जो डेनोमिनेटर है उन्हें ऐड कर दिया, तो उल्टा कर दिया उन्होंने, तो ये तो बात गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। बल्कि ऊपर वाले प्लस होते हैं, नीचे वाले जो एलसीएम होता है या इनके जो डेनोमिनेटर होता है वे सेम लिखे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1/6 एंड 1/9 आर द फ्रैक्शन। भाई 1/6 और 1/9 कैसी फ्रैक्शन है? तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चार में से एक पे टिक करना है जो करेक्ट है। देखिए, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है ना। 1/6 और 1/9 दोनों कैसी फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द 1/3। इसमें से आपको बताना है कि 1/3 के इक्वल कौन है, जिससे अगर हम इनमें से इन सबको लोएस्ट टर्म में करें और लोएस्ट टर्म में करने के बाद जिसका भी आंसर 1/3 आ जाए वो इसके इक्विवेलेंट है। ओके स्टूडेंट, देखो 2 को 2 से डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा, तो ये नहीं है, इसका भी 1/2 ही आएगा, ये भी नहीं है, ये तो अपनी पहले से लोएस्ट टर्म में है। और 3 1 3 6 1 6 और 6 3 18, तो यही हो जाएगी। अगर 6 को डिवाइड करेंगे, 6 स्क्रीन का ऐसे आप ले लो, ऐसे आप लेकर 6 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 6 और 6 3 18, तो 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये वाली ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनमें बताना आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। भाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होती है कि उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डेनोमिनेटर छोटा होता है, यही पहचान है उसकी। तो इसमें छोटा है नीचे बड़ा है, गलत है। 23 बड़ा है, 21 छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है जी। ये एन छोटा है, इसका भी एन छोटा है, बस यही ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये चेक योर सेल्फ था, ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।